हाय एवरीवन दिस दस पवन शर्मा बात करेंगे सिक्सटींथ ऑफ मे के लिए आज का मार्केट कैप अप खुला एक्सपेक्टेड था दैट मार्केट आज अपना जो बैंक निफ्टी अपना नया हाई बनाएगा उसके बाद में मार्केट जब एक हाई बना लेता है तो जनरली प्रॉफिट बुकिंग आती है तो ये प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पर आनी थी ये थोड़ा सा डाउटफुल था दैट्स वाई वी वेटिंग फॉर इट और जैसे उसने अपना फोर्टी फोर का हाई बनाया उसके बाद एक बड़ा फॉल ऑलमोस्ट वन फिफ्टी पॉइंट का फॉल हमें देखने को मिला इन बैंक निफ्टी और सिमिलर फॉल अराउंड फिफ्टी टू सेवेंटी पॉइंट हमें देखने को मिला निफ्टी के अंदर बट इन दोनों के बीच में एक इंडेक्स जो स्ट्रांग खड़ा रहा वो था फाइनेंशियल निफ्टी अगर मैं आपसे कहूं कि कल निफ्टी में जो मूवमेंट है वो अभी जो चल रहा है उसमें अगर ओ का डिफरेंस बताएं तो ओ का जो इंक्रीज हुआ थ्री पॉइंट फोन फोर वन परसेंट हुआ है आ, बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में ओ ये ओ चेंज है मतलब आज इतना ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है और यहां पर सेवन पॉइंट फाइव नाइन है अगर मैं फाइनेंशियल निफ्टी की बात करूं तो यहां पर है थर्टी एट फाइव विच मीन कल का मार्केट हमारा फाइनेंशियल निफ्टी डिसाइड करेगा कि अब अगली मूवमेंट कहां रहेगी उसके अलावा अगर मैं आपसे कहूं लॉन्ग शॉर्ट रेशियो जो है जो हमारा बिल्डअप है हंड्रेड एंड सेवन लॉन्ग बने हैं मतलब पॉजिटिव उसके बाद में अनवाइंडिंग हुए हैं फोर्टी फाइव अच्छा ये देखने वाली बात है 45 बने हैं और यहां पर आपके ट्वेंटी आपके शॉर्ट कवर हुए हैं अगर बात करें शॉर्ट्स की तो कौन कौन से स्टॉक है जिनमें शॉर्ट्स बना है जिसमें से आ, फार्मा मेजर हैं एनर्जी स्टॉक्स रिलायंस सीमेंट सेक्टर और आईसीआईसी बैंक बजाज ट्विंस मारुति इन सब में शॉर्ट्स बने हैं तो कहीं ना कहीं ये सब ये अगर शॉर्ट कवर हुआ तो समझ जाइएगा एक माइनर प्रॉफिट बुकिंग थी और कल मार्केट फिर से भागेगा तो हमारा फोकस फाइनेंशियल निफ्टी के अलावा इधर रहना है लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी का और फाइनेंशियल निफ्टी का वहाँ के अगर लेवल्स की बात करें प्लस इसमें जो लॉन्ग बने हैं लॉन्ग में भी बड़े बड़े अच्छे नाम हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि शॉर्ट्स में रिलायंस का नाम और बजाज ट्रेंस का नाम आ गया तो मार्केट नीचे जाएगा शॉर्ट कवरिंग भी तो हो सकती है ना शॉर्ट कवरिंग होती है प्रॉफिट बुकिंग मतलब जो किसी ने सेल किया हो और उसके बाद अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया तो मार्केट वापस से भागती है और बढ़िया वाली मूवमेंट देती है तो उसके बेसिस पे कल अगर शॉर्ट कवर हुआ तो एक अच्छी मूवमेंट हमें मिलेगी अब थोड़ा सा और आपको बता दू फिर मैं आपको लेवल्स बताऊंगा और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइएगा वीडियो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा साथ में ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि हमारे पास कुछ मैसेज आए थे कि क्या हमने अपने डेली वीडियो बनाना बंद कर दिया है नहीं ऐसा कुछ नहीं है अब ये वीडियो आप देख रहे हैं तो विच मीन्स आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और जस्ट बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल यू आर सपोर्टिंग गर्स अलॉट और जिसकी हमें काफी जरूरत पड़ती है और हां टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा आज भी थोड़ा सा वन ओ तक मैं एक्टिव था उसके बाद बैंक जाना पड़ा कुछ काम वाम था तो उसके बाद आगे देखा तो हाई बना के एक बड़ा सा मतलब तीन मिनट में चार मिनट में ही एक बड़ी सी कैंडल हमें देखने मिली ऐसे दिख रहा था कि पता नहीं क्या हो गया बट उसके बाद फिर हिम्मत नहीं पड़ता दो बजे के बाद में क्या मोमेंट आता है फिर नहीं आएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ठीक है अब अगर हम बात करें आ, सपोर्ट के बारे में तो निफ्टी में जो सपोर्ट बन रहा है वो है रेसिस्टेंस जहां जहाँ बन रहा है एटीन थ्री फिफ्टी पे बन रहा है फोर हंड्रेड पे है फाइव हंड्रेड पे है इसके नीचे इससे और इससे नीचे सपोर्ट है मतलब जबरदस्त सपोर्ट है बैंक निफ्टी की बात करें तो 44 पे हल्का फुल्का का रेसिस्टेंस है 43,800 पे सपोर्ट है हल्का फुल्का बाकी सपोर्ट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे यहां भी सपोर्ट है और 43,500 पे भी सपोर्ट है तो विच मीन ये है बुलिश मूवमेंट यहां पर थोड़ा सा मैं कहूंगा बिकॉज बजाज ट्वीं और रिलायंस की जब जहां बात आती है हल्का फुल्का तो ये लेवल हमारा क्रूशियल रहेगा फाइनेंशियल निफ्टी में सिर्फ बीस का हल्का फुल्का इससे नीचे तो है ही नहीं हल्का फुल्का माइनर्स रेसिस्टेंस है और सपोर्ट यहां भी मेजर बनना शुरू हो गया है माइनर रेसिस्टेंस मीन कल की मार्केट जो हमारे डिसाइड करेगी वो करेगी हमारी फाइनेंशियल निफ्टी इनफैक्ट ट्वेंटी थाउजेंड ये जो लेवल है आप यहां देख रहे हैं ये लेवल पे अनवाइंडिंग हो रही है जबरदस्त इस लेवल से भी कॉल uh, अनबाइंडिंग तो कल अगर ट्वेंटी थाउजेंड फाइनेंशियल निफ्टी क्रॉस कर लेता है तो हर इंडेक्स भागेगा बिकॉज मैक्सिमम पैसा वहाँ आ रहा है कल लास्ट वीडियो में हमने आपसे कहा था कि अभी जो इन्फ्लो है वो रियलिटी की तरफ आ, आ, जो है आ सकता है आज आप देखिए सेवन परसेंट का राइज डीएलएफ ने और ओवरऑल रियलिटी ने शायद फोर परसेंट का राइज दिखाया है तो इस टाइप की जो न्यूज है उनके ऊपर ध्यान रखिए काफ़ी हेल्प मिलती है हम पूरा दिन पढ़ के आपको बहुत थोड़े टाइम में ये बताते हैं तो अब क्या है हमारे पास में ये है हमारा निफ्टी का चार्ट वन डे का इस पर ये इसको कहते हैं चैनल और ये बेसिकली वैसे तो ये बुलिश है बट इसको बोला जाता है बियरिश चैनल इतनी बड़ी के बाद में क्यों क्योंकि आज की जो क्लोजिंग है वो है एटीन थ्री नाइन एट का हम एटीन फोर ट्वेंटी पे इसके ऊपर जाने के बाद में बाय कर सकते हैं बस फाइनेंशियल निफ्टी नाइन फोर्टी फाइव तक सपोर्ट कर दे और वहां पर Uh, मैं कहूंगा कॉल अनवाइंडिंग कॉल अनवाइंडिंग अगर हो जाए कॉल नॉट कॉल अनवाइंडिंग नॉट एस दैट विल बी तो कॉल अनवाइंडिंग हो जाए तो so, समझिएगा ये लेवल छोड़िए 500 का लेवल भी आपको देखने को मिलेगा तो so, मेरा फोकस कल निफ्टी बैंक निफ्टी को छोड़िए मैं फाइनेंशियल निफ्टी को फोकस करेंगे बिकॉज सारी मूवमेंट वहीं पर अटकी हुई है नीचे की तरफ तो मुझे लग रहा है uh, कल भी हमें देखा था 360 का हाई बनाया था और 350 तक एनी वेयर बिटवीन थ्री सिक्सटी और थ्री फिफ्टी के बीच में हमारा यहां पे सेल बनेगा चार्ट में कुछ खास नजर नहीं आ रहा चार्ट में तो सिर्फ हमारा चैनल है इस चैनल को ब्रेक कर देता है तभी कुछ आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी और मिडिल रो को अगर ब्रेक करता है तो राइज इसीलिए चैनल के चार्ट के ऊपर हम ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हम लेवल्स को ज्यादा फोकस कर रहे हैं तो ये लेवल और ये लेवल हमारे काम करेंगे निफ्टी के लिए कल ट्यूजडे को बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में जैसे आपको बताया कि फाइनेंशियल में एच बैंक में पॉजिटिव है एक्सिस बैंक में पॉजिटिव है एस कैनरा बैंक भी पॉजिटिव है नेगेटिव आज के लिए कल का नहीं पता इसके अलावा आईसीआईसी बैंक नेगेटिव है तो कुछ मेजर्स जो हैं वो राइज की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कुछ मेजर्स फॉलिंग की तरफ तो यहां पर आप कहेंगे अब हंग मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है और ये अगर फाइनेंशियल निफ्टी अगर हमारा आ, कितना है 9900 ब्रेक कर देता है क्योंकि 950 के आसपास तो सपोर्ट है तो 950 को भी हम ले सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके लेवल के बाद में भी अच्छा खासा मूवमेंट आएगा लेकिन ये मूवमेंट के बाद तो शॉर्ट शॉर्ट प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाएगी तो उसी को हम ध्यान रखेंगे और ट्रेड करेंगे हम निफ्टी में भी फाइनेंशियल निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पर अगर क्लोजिंग देखेंगे अभी की क्लोजिंग कहाँ है हमारे पास में ये तो फ्यूचर है अगर अभी की क्लोजिंग बात करें ये हमारे पास में आ, दिस वन वॉज एक सेकेंड रुकेगा इंडेक्स है थ्री एट का और ये हमारे पास में फ्यूचर है बैंक निफ्टी का हमारे पास चार्ट है तो फोर्टी फोर जीरो सेवन टू का हमारा क्लोजिंग है जैसे मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम फोर्टी फोर के ऊपर सपोर्ट है तो ये लेवल तो क्लियर ही हो गया कि हमारे पास में ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो हमारे पास फर्दर प्रॉफिट बुकिंग आएगी या तो अभी तो प्रॉफिट बुकिंग हुआ ना सेलिंग थोड़ा होगा क्योंकि ये वो लेवल है जहां से प्रॉफिट बुकिंग होनी है सेलिंग तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है और आज हमारा लाइफ टाइम हाई क्या है लाइफ टाइम हाई है हमारा फोर्टी फोर वन फिफ्टी वन डॉट एट जीरो है तो हम वन फिफ्टी वन को वन फिफ्टी या वन सिक्सटी के ऊपर करते हैं ना फोर्टी फोर वन सिक्सटी के ऊपर रीजन बिग थोड़ा बहुत ऊपर जाता भी है तो ये बड़ा बढ़िया पॉइंट रहेगा इनकेस हमारा फाइनेंशियल uh, निफ्टी क्रॉस कर लेता है ट्वेंटी को और नीचे की तरफ नाइन फाइव तक यहां पर अच्छी मूवमेंट मिलेगी तो उसके बेसिस पे हम हाँ उपर, 44, हम हाई के के ऊपर ऊपर दैट विल बी करेंगे और फोर्टी फोर ब्रेक कर देता है बैंक निफ्टी तभी हमारा सेल बनेगा तो और इसको ध्यान रखिएगा अगर हम बात करते हैं फ्यूचर की तो फ्यूचर फोर्टी थ्री नाइन सिक्सटी सॉरी नाइन नाइन सिक्स नाइन सिक्स तो जो फोर्टी फोर थाउजेंड का मैंने बताया है वो इसके बेसिस पे बताया है क्योंकि हमारे ओ आई के बेसिस पे ही हमारे सपोर्टर्स निकाले जाते हैं डेटा वाइज अदरवाइज चार्ट का रेजिस्टेंस तो आपने देख लिया है और इसके बेसिस पे हम ऑलमोस्ट वन फिफ्टी पॉइंट ऊपर जाकर बाय करने वाले हैं एंड इफ इन केस यू आर लुकिंग फॉर सेल तो फ्यूचर अगर फोर्टी uh, फ्यूचर अगर सॉरी uh, स्पॉट uh, अगर फोटी थ्री नाइन फिफ्टी ब्रेक करे ये स्पॉट की बात कर रहा हूँ मैं तो अच्छा खासा आपके पास में दोनों क्लब हो जाएंगे और अच्छा खासा आपके पास प्रॉफिट बुकिंग का लेवल बन जाएगा तो इन लेवल के बेस पे हम ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी को स्टॉक सिलेक्शन में पहला स्टॉक रहेगा एम एफ एस एल एम एफ एस एल में देखेगा यहाँ से इसने एक जोन बनाया था उसके बाद में एक फॉल आया उसके बाद सपोर्ट लिया जहाँ पर ये जोन था आज उसी के आसपास आके उसने क्लोज किया है और अच्छा खासा ओ आई बिल्डअप है प्राइस में मूवमेंट है वॉल्यूम भी ठीक है और ब्रेकआउट के लिए रेडी भी है इसीलिए पिक किया है सारे के सारे हमारे जो डेटा पॉइंट्स हैं चार्ट पैटर्न्स हैं ये सपोर्ट कर रहे हैं एमएफएसएल को इसकी मूवमेंट आपके लिए बढ़िया वाली ऊपर लेके आएगी तो हम क्या करेंगे जैसी जो भी लेवल मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उनके बेसिस पे उस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो आप करेंगे बाय और फेलियर के चांस में सिक्स सिक्सटी सिक्स के नीचे आप इसको कंफर्टेबली सेल भी कर पाएंगे और रीज़न क्या रहा डेटा पॉइंट्स प्लस हमारा बिल्डअप बढ़िया वाला ब्रेकआउट के लिए रेडी है तो ये रहेगा एम अगला है हमारे पास एल हाउसिंग फाइनेंस सेम यहाँ भी बिल्डअप वॉल्यूम वॉल्यूम थोड़ा सा कम है यहाँ पे बट एवरेज वॉल्यूम कल से ज्यादा है और कल इसका हमारे पास में रिजल्ट भी आने वाला है स्टॉक ट्रेड कर रहा है यहाँ पर एंड इससे पहले इधर रेसिस्टेंस मिला था ऑलमोस्ट एम एफ एस एल वाला ही कॉन्सेप्ट है, है थोड़ी देर इसके ऊपर होल्ड कर लेता है तो फर्दर मूवमेंट और एनी फेलियर जिसको आप कहते हैं कि चलो रेसिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पाया उस केस में आपका सेल बनेगा एल आई सी हाउसिंग फाइनेंस के अंदर फिर हमारे पास में है एसबीआई एसबीआई के पास में ये रेसिस्टेंस बन रहा था काफी लंबे टाइम से दिस इज कमिंग अराउंड फाइव एच इससे नीचे नीचे था एक बार इसने इसके ऊपर क्लोज भी किया था सिर्फ एक बार ही वाला उसके बाद में बार बार इसको ब्रेक करने की कोशिश करा आज फिर से इसके ऊपर क्लोजिंग आई है और बिल्डअप की बात करें तो पॉजिटिव बिल्डअप है कल अगर ये आज वाले लेवल जो 585 है ना इसके ऊपर चला गया तो छह सौ को टच कर जाएगा कल ही तो एक अच्छी वाली मूवमेंट आपको मिलेगी इन केस ऑफ एनी फेलियर जो रहेगा आपका फाइव सेवेंटी एट के नीचे क्योंकि ये ब्रेक हो जाएगा एक दो पॉइंट आगे पीछे हो जाएगा तो यहाँ से आपको सेल मिलेगा एस के अंदर फिर हमारे पास में रहेगा दैट विल बी कार्ड SBI कार्ड की इतनी बड़ी मूवमेंट के बाद भी ओवा बहुत बढ़िया वाला आज बिल्डअप हुआ है प्राइस के साथ में OI मतलब काफी इंटरेस्ट दिख रहा है इस कंडीशन में क्या होता है एक बार स्टॉक हो सकता है अपने जो भी क्रूशियल लेवल है जो नाइन हेड्रेड है उसको टच करे तो हम क्या करेंगे नाइन को मान लेते हैं एक लेवल इसके ऊपर चला जाता है तो एक बढ़िया वाला बाय बनेगा एंड इन केस